आप सभी दर्शकों को नमस्कार है। अभी चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, जो कि मैं अभी मौजूद हूँ कुशीनगर के चर्चित नगर पालिका पडरौना में। और यहाँ पे भाजपा से दूसरी बार भाजपा ने इनको विश्वास जताया है। विनय जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं सवाल करूँगा, थोड़ा सा तीखे सवाल भी होंगे कुछ पडरौना से लेकर के, क्योंकि 5 साल आपने रहा है। आप, मैं चाहूँगा कि शालीनता से जवाब देंगे। जैसे पडरौना की जब नाम आता है तो पडरौना में जाम की समस्या बहुत है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूँकि पडरौना जिस हिसाब से बना है, मास्टर प्लान से बना है, पहले इतनी आबादी नहीं थी। पहले 10,000 की आबादी थी, उसी आधार पर ये पडरौना था पहले। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे करके जी समस्याओं को समाप्त करने का कार्य किया गया। और जहाँ तक जाम की बात है, तो पडरौना में जाम आज के 1 वर्ष पहले लगता था, लेकिन अब आप जब देखेंगे कि बावली बाईपास बन गया जी, और यहाँ के एसओसी सांसद माननीय विजय दुबे जी के द्वारा जो पडरौना से लेके और इटहिया मंदिर तक, यानी नेपाल के बॉर्डर तक, महाराजगंज में नेपाल के बॉर्डर तक जी, जो पुल पे 2 लेन की सड़क बन रही है, उससे बहुत ज़्यादा जाम की समस्या समाप्त हो गई। जाम की समस्या जो सुभाष चौक पर होती थी, एक तो मैंने रोड बनवा दिया बावली से लेके पूरा नहर पुल तक, और दूसरा माननीय सांसद जी के द्वारा जब वो दोहरीकरण उसका हो गया पुल के पटरी का, मुझे लगता है कि जाम की समस्या लगभग समाप्त हो गई है। उसी के क्रम में कुशीनगर के एसएससी सांसद जी ने अंडरपास और ओवर ब्रिज के लिए माननीय रेल मंत्री जी से मिल के और उसको भी स्वीकृत करा लिया है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग गई है, नहीं तो वो भी काम शुरू हो जाता। मुझे लगता है कि जब ये काम शुरू हो जाएगा, अंडरपास बन जाएगा, और उन्होंने हमने लिख कर दिया था रिंग रोड के लिए, तो उसको भी वो स्वीकृति दिलाने के लिए तैयार हैं। इस आचार संहिता को ऐसा नहीं हो पा रहा, मुझे लगता है कि चुनाव के जस्ट बाद उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पूज्य महाराज जी के द्वारा उसको भी स्वीकृत दिया जाएगा। जब रिंग रोड बन जाएगा, अंडर पास बन जाएगा, ओवर ब्रिज बन जाएगा, तो मुझे लगता है कि जाम की समस्या पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगी। और मैं, अगर भगवान का आशीर्वाद मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है हमको, तो हम लोग पार्किंग, जो गाड़ियों की पार्किंग खड़ा करने के लिए है, उसकी भी व्यवस्था इस बार हम लोग बहुत त्वरित उसको करेंगे, जहाँ गाड़ी पार्किंग हो सके। जब पडरौना में अक्सर देखा जाता है बरसात का, जैसे सीजन आता है तो अक्सर पडरौना में पानियों का, मतलब लोगों को पानी घर में घुस जाता है कहीं, मतलब सड़कों पे पानी देखने को मिलता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कभी हुआ करता था जाम होता था। 2017 के बाद जब से मैं चेयरमैन बना, तो उसके लिए एक बड़ा नाला बलचहाँ पुल से लेकर और नहर साइफन तक बड़े नाले का निर्माण कराया गया, जहाँ से 70% पडरौना का पानी निकल के वहाँ से और सीधे साइफन से होते हुए बाहर निकल जाता है। जब वो नाला नहीं बना था तब ये समस्या थी। और जो हल्की पुल की समस्या है, वो लो लैंड होने की वजह से है, क्योंकि रामकुला रोड बन गया और मुझे लगता है 1.5 मीटर रोड जो है ऊपर हो गया, और उसके वजह से 2-3 गलियाँ वहाँ पर नीचे हो गए हैं, 2-3 जगह बस वही हल्का सा वो होता है। और बारिश अगर होता है तो उसमें दिक्कत हर जगह आता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा नाली जो है, अगर उसमें 1,000 लीटर पानी बहाने की अगर व्यवस्था है और जो प्रकृति का जो वो है, हाँ, अगर 1,00,000 लीटर पानी आ जाएगा तो उसको निकलने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन उसके बाद भी हम लोग संसाधन लगा के, हम लोग जानते हैं कि यह पानी कुछ देर में निकलेगा, उसके बाद भी हम लोग संसाधन लगा के जितना हो सकता है हम लोग वहाँ पर कार्य करते हैं। ये भी समस्या जो एकाध जगह की है, लो लैंड की समस्या की वजह से पानी का जो दिक्कत है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पडरौना अमृत योजना से जुड़ गया है। अमृत योजना में टोटल सीवरेज और टोटल ड्रेनेज की व्यवस्था हो जाएगी, और जब पूरा ड्रेनेज हो जाएगा नगर पालिका में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने अमृत योजना में पडरौना को जोड़ने की स्वीकृति दे दी है, तो ये काम जब हो जाएगा, क्योंकि बड़ा काम है और ये काम अलग संस्था CNDS इसको कराएगी या बड़ी संस्था जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है वो कराएगी, लेकिन मुझे मालूम है कि ये पूरा समस्या, जो भी हल्का सा समस्या इस समय है, वो समाप्त हो जाएगा। आपको दोबारा पार्टी ने, मतलब, विश्वास जताया है और आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा, मतलब, आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, पडरौना की सम्मानित जनता, हमारे सभी पिता तुल गार्जियन, हमारे देवी स्वरूपा माताएं बहनें, हमारे सभी नौजवान साथी, सभी डॉक्टर्स, अधिवक्ता, इंजीनियर्स, हर वर्ग का समर्थन हमको हर बार मिलता है। जब 2006 में मेरी भाभी चुनाव लड़ी थी और जनता ने यहाँ पर हमको चुनने का कार्य किया था, उस समय भी सरकार एंटी थी, उसके बाद भी जनरेटर से लाइट, हमने स्ट्रीट लाइट, लाइट चले जाने पर हमको लग रहा है भारत की पहली नगर पालिका थी जहाँ लाइट जाने के बाद भी यहाँ पर लाइट की व्यवस्था रहती थी, लाइट मिलता था। उसके बाद से 3 ओवरहैंड टैंक और 9 ट्यूबवेल बना के
कि पडौना की जनता को 50 साल तक जनसंख्या को देखते हुए कि 50 साल तक पानी की समस्या ना है, जल की समस्या ना है, वो कार्य भी हमने कराया था। 2017 में फिर जब पडौना की जनता ने हमारे जैसे सामान्य परिवार के व्यक्ति को नगर पालिका का नगर सेवक बनाने का कार्य किया, तो आप देखते होंगे कि अभी तक नगर पालिकाओं में रोड, नाली, सड़क, पानी, सफाई की व्यवस्था होती थी। इन मूलभूत समस्याओं को, इस मूलभूत कार्य को करते हुए, चूँकि मैंने जो रोड बनवाया है, RCC रोड की नलिया हुई है, 25 साल तक वो चलेगा, दावे के साथ कर रहा हूँ, अगर कोई तोड़फोड़ बिना नगर पालिका पूछे ना हुआ तो। ऐसी तमाम सड़कें मैंने बनवाया है, और इससे हट के शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने कार्य किया है। आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे तो कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन प्लांट देने का कार्य किया, हमारे वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था है। और शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो एक शुद्ध बहुत बड़ा लाइब्रेरी, पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग, दो लाइब्रेरी फुल वातानुकूलित जिसमें वाईफाई की फ्री व्यवस्था, ऐसा भी मैंने कार्य किया है। हमारे वहाँ कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए महंत अवैधनाथ जी महाराज रोटी बैंक की स्थापना यहाँ पर हुई है, जहाँ पर दिन 200 से ऊपर लोग भोजन करते हैं। हमारे वहाँ पथिक वाहन की व्यवस्था है, अगर कोई बाहर से आता है उसको 8 बजे के बाद सवारी नहीं मिलता है तो उनको घर तक उनके घर तक पहुँचाने का कार्य भी किया जाता है। हमारे वहाँ देखेंगे तो एक नंबर का रैन बसेरा हमारे वहाँ बना हुआ है, जहाँ जो पथिक बाहर से आते हैं उनको रहने की व्यवस्था वहाँ पर है। आप हमारे वहाँ देखेंगे तो अगर किसी गरीब के वहाँ मृत्यु होती है तो उसके दाह संस्कार के लिए 5 क्विंटल लकड़ी और 5,000 रुपया देने का कार्य भी नगरपालिका के द्वारा किया जाता है। ऐसे तमाम कार्य हैं हमारे वहाँ, जो महापुरुष हैं, जो हमारे राष्ट्रनायक हैं, जो हमारे कुलगुरु हैं, उनके लिए अभी तक होता था कि उनके जन्म जयंती पर या 26 जनवरी या 15 अगस्त पर या 2 अक्टूबर पर माला पहनाया जाता था। पडौना पहली नगरपालिका, भारत की पहली नगरपालिका है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जहाँ सभी महापुरुष जो हमारे देश को आज़ादी दिलाया, हमारे कुलगुरु हैं, उनके सभी प्रतिमाओं को प्रतिदिन नहलाने का कार्य और प्रतिदिन माला पहनाने का कार्य भी नगर पालिका परिषद पडौना के द्वारा हमारे द्वारा कराया गया। तो ये सब काम जो है, जो कहीं नहीं होते हैं, उस प्रकार का कार्य भी किया गया। आप देखेंगे तो 23 जगहों पर ओपन जिम की व्यवस्था कराई गई है, सभी कुएं जो पूरे तरीके से पट गए थे, बंद हो गए थे, उनको फिर से सफाई करा के, रिनोवेट करा के, मार्बल लगवा के, ग्रेनाइट लगवा के उसका सुंदरीकरण करने का कार्य हो, या सभी ब्रह्मस्थानों का सुंदरीकरण कराने का कार्य हो, या नगर स्थित सभी मंदिर की रंगाई पुताई मरम्मतीकरण और 5-6 मंदिरों को नया बनवाने का कार्य भी नगर पालिका के द्वारा किया गया है। अभी आप देखेंगे तो हमारे वहाँ महारानी लक्ष्मीबाई, बिरंगा महारानी लक्ष्मीबाई मुफ्त सिलाई कढ़ाई बुनाई सेंटर भी खोला गया है, जहाँ हजारों की संख्या में महिलाएं और बच्चियाँ वहाँ प्राप्त कर मुफ्त में सिलाई कढ़ाई सीखती हैं और उनसे उनको आय भी होता है। देखा जाए तो पडौना जनपद का सबसे बड़ा नगर पालिका है और यहाँ पे जिले से महिलाएं आया करती हैं, जिनके लिए अलग अलग जगहों पे सुलभ शौचालय होना चाहिए, ये मतलब अभी बहुत कम है पडौना में, जिससे महिलाओं को कहीं जाना होता है तो दिक्कत होता है। क्या 5 साल में आने वाला जनता आपको चुनती है दोबारा, तो क्या ये सुविधाएं हो पाएंगी? देखिए, नगर के चारों कोने में जी, अभी आप जाएंगे तो रामकोला रोड पर देखेंगे महिला का अलग पिंक टॉयलेट अलग बना हुआ है, जिसमें 4 टॉयलेट नहान घर यूरिनल है, उसके बगल में भी बना हुआ है। अभी आप जाएंगे तो रेलवे स्टेशन पर देखेंगे, वहाँ पर भी यूरिनल की व्यवस्था है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। आप मेन बाज़ार उत्तरी में जाएंगे, साहबगंज में जाएंगे, तो वहाँ देखेंगे भव्य शौचालय बना हुआ है, जहाँ महिलाओं के लिए 4 टॉयलेट 2 बाथरूम अलग और पुरुषों के लिए अलग। आप बंजारी घाट में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे सुलभ शौचालय बना हुआ है, वहाँ भी महिलाओं की अलग व्यवस्था, पुरुषों की अलग व्यवस्था। आप मेन बाज़ार दक्षिणी में फैक्ट्री के पीछे जाएंगे तो जैसे लगेगा आपको कि जिस तरह से घर पर टॉयलेट वगैरह बनता है, कोई ऐसा नहीं कि जो दिखेगी सरकारी है, मार्बल लगा के फर्स्ट क्लास का उसको बनाया गया, वहाँ भी महिलाओं के लिए अलग 4 टॉयलेट और 2 बाथरूम अलग और पुरुषों के लिए अलग। तो ऐसा नहीं, हर कोने पर बनाने का कार्य किया जाएगा। मुझे लगता है कि पहले असुविधा होती थी, इस समय हर चौराहे पर, हर चारों कोने के चौराहे पर और 2 वार्डों में हमने उसको 6 शौचालय और यूनियन बनाने का कार्य किया, 8 शौचालय और यूनियन बनाने का कार्य। पडौना में देखा जाए तो रोड अभी सब चकाचक है, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि मतलब रोड और नालियां दुर्व्यवस्था में मतलब शिकार हो गए हैं, जैसे टूट चुका है। तो ये सब कार्य लगभग अगर जो जनता चुनती है तो आपके द्वारा कब तक कर दिया जाएगा? देखिए, मैं पहले भी कहा कि बड़ा अत्याधुनिक तरीके से रोड को बनाने का कार्य किया गया जी, और चूँकि सारे कार्य एक बार में नहीं हो सकते हैं, अगर कहीं ऐसा होगा, उसे तो मेरे देखने में नहीं है, नगर का एक एक गली पतली गली 2 फुट की गली, वहाँ सीवरेज भी पहुँचाने का कार्य मैंने किया है और रोड को बनाने का भी कार्य किया है। अगर कहीं ऐसा होगा तो तत्काल उसको बनवा के उसकी व्यवस्था की जाएगी। पहला कार्यकाल आपका जो 5 साल रहा, सकुशल अच्छा से निकला, सरकार ने दूसरी बार आपको विश्वास जताया, तो इसमें 5 सालों में क्या आपका विजन रहेगा आगे का, मतलब क्या करना है? देखिए, जो विस्तारित एरिया है जी, उस हर वार्डों में जो 25 वार्ड हैं, उस 25 वार्डों में
हम लोग यह प्रयास करेंगे, सार्थक प्रयास करेंगे, और प्रयास ही नहीं करेंगे बल्कि करेंगे उसको, 2500 वार्डों में लाइब्रेरी का निर्माण और 2500 वार्डों में मुफ्त सिलाई कढ़ाई बुनाई सेंटर की स्थापना, ताकि शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हम ये काम करेंगे। अभी आप देखेंगे तो मुफ्त कोचिंग सेंटर जिसमें UPSC से लेके और SSC तक की बैंकिंग तक की कोचिंग की व्यवस्था कराई, क्योंकि हमारे वहाँ मेघावी छात्र बहुत हैं लेकिन पैसे के अभाव में जो कोटा या प्रयागराज या दिल्ली नहीं जा पाते हैं, तो वो शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। क्योंकि हमारा जो लाइब्रेरी खुला हुआ है उसमें 21 से 22 बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, 10 से ऊपर बच्चे PCSJ की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था कराएंगे। अभी आप देख रहे हैं जो माँ गायत्री माता मंदिर से लेके माँ लखनऊ माई के मंदिर तक का जो दूसरा पुल का जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग ग्रीन बेल्ट बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, उस पर वहाँ पर ओपन जिम, किड्स पार्क बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वहाँ उनके टहलने की व्यवस्था पूरी हम लोग उसको करेंगे। दूसरा, हम लोग धार्मिक क्षेत्र में पडरौना के आसपास के जितने मंदिर हैं, वो खिड़किया माता का मंदिर हुआ, भगवान सिद्धवा बाबा का मंदिर हुआ, माँ लखनऊ माता का मंदिर हुआ, रामपोला में श्री माता धर्मचंदा माता जी का मंदिर हुआ, ऐसे जो भी मंदिर हैं उसके लिए नगर पालिका अपने संसाधन से मुफ्त में वहाँ पर दर्शन कराने का भी कार्य महिलाओं को करेगा। उसके बाद तमाम ऐसे कार्य हैं जैसे जो गरीब है उनको पडरौना से अगर मुख्यालय जाना है, बहुत लोग हैं जो पैसे का अभाव में उनके पास 20 रुपया भी नहीं होता है कि किराया दे पाए, उनके लिए मुफ्त मिनी बस या कोई ऐसी गाड़ी, वो मारुति ओमनी हो सकती है, जो यहाँ से लेकर उनको मुख्यालय तक छोड़े, मुख्यालय से लेकर फिर आने का कार्य हम लोग कराने का कार्य करेंगे। और दमौतिया से लेके जो हमारा नगर पालिका का बार है वहाँ से लेके और सुभाष चौक तक हम लोग आर्म लाइट जो लगा है रामपोला रोड पे उसको भी लगवाने का कार्य करेंगे, ताकि जब वहाँ से एंट्री कोई करे तो लगे कि हाँ हम किसी जगह पर जा रहे हैं। सभी महापुरुषों के नाम पर हम तोरण द्वार बनाने की व्यवस्था करेंगे। ये हमारी तमाम योजनाएं हैं, जितनी रोडें अगर बची हुई हैं उनकी व्यवस्था और पार्किंग की पार्क की व्यवस्था, ताकि लोग जाके, चूंकि विस्तारित एरिया हुआ तो कुछ ज़मीनें उसमें मिली हैं तो उसमें पार्क बनाने का भी कार्य हम लोग करेंगे। पडरौना की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जिस तरह से हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति को पडरौना की हमारी सभी देवी स्वरूपा माताएं बहनें, हमारे सभी पिता तुल गार्जियन, हमारे नौजवान साथी, हमारे सभी अधिवक्तागण, डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर्स, जिस तरह से हमारे जैसे व्यक्ति को 2 बार नगर पालिका का चेयरमैन नगर सेवक बनाने का कार्य किए, मैं अपनी सभी देवी स्वरूपा माताओं बहनों से, सभी पिता तुल गार्जियन से, नौजवान साथियों से यह अपील करूँगा, आग्रह करूँगा कि इस बार भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, इस देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और स्थानीय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी ने, जिनके प्रयास से, हमारे जिले के प्रभारी जी के प्रयास से, अध्यक्ष जी के प्रयास से जिस तरह से मुझे टिकट मिला है, अगर पडरौना की सामान्य जनता हमको फिर से मौका देती है तो निश्चित तौर पर जिस तरह से 2017 से लेकर 22 तक खड़ा उतरा उसी तरह खड़ा उतरूँगा, और जिस तरह से आपके दुख सुख में मैं आपके साथ रहता हूँ उसी तरह मैं आपके साथ रहूँगा। आपसे अपील है कि एक बार फिर हिंदुत्व के नाम पर और विकास के नाम पर हमको वोट देकर और यहाँ फिर नगर सेवक के रूप में चुनने का कार्य करें। जय श्री राम। हमारे साथ अभी मौजूद थे विनय जायसवाल जी, जो कि खास बातचीत में हम ऐसे ही अन्य नगर पालिका और नगर पंचायतों में पहुँचेंगे और कि नगर पालिका नगर पंचायतों का क्या विकास हुआ, क्या कार्य हुए हैं। तब तक के लिए जय हिंद।